दोस्तों, इस कोरोना महामारी के दौर में हमने बहुत ही सावधानी से लॉकडाउन और सभी नियमों का पालन किया। बावजूद इसके कोविड-19 के मरीजों की संख्या पूरे विश्व और भारत में दिन दुगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ती ही जा रही है। भारत में कोरोना केस की संख्या 17,51,000 प्लस और विश्व में 1,80,22,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। इससे मरने वालों की संख्या भारत में 37,403 और विश्व में 6,88,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों, दुनिया कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि कोरोना की वैक्सीन कब तक मार्केट में आ सकती है, कोरोना वैक्सीन की रेस में कौन सा देश सबसे आगे है, वैक्सीन की कीमत क्या होगी और वैक्सीन आने के बाद किन लोगों को वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी, साथ ही वैक्सीन बनाने की रेस में भारत कहां पर है, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। मैं हूं प्रकाश विश्वास, आप देख रहे हैं बिहाइंड द फैक्ट हिंदी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए देखते हैं, कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए दर्जनों देशों के बीच रेस लगी है। फिलहाल 160 से भी ज्यादा वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ, जिनमें से 141 प्री क्लिनिकल स्टेज में है। इसी रेस में भारत की भी आधा दर्जन कंपनियां कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने में जुटी हुई है, जिसमें भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और जायडस कैडिला भारत में वैक्सीन बनाने की दिशा में सबसे आगे है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। इन कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो वैक्सीन डोज के उत्पादन और दुनिया भर में बिक्री के लिहाज से यह दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी है। लेकिन दुनिया भर में सिर्फ 3 वैक्सीन कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेज 3 ट्रायल में है, जो ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका, अमेरिकन कंपनी की मॉडर्ना इंक और चीन की साइनोफार्म की डेवलपमेंट की हुई वैक्सीन। फिलहाल इन सभी का बड़े पैमाने पर इंसानों पर ट्रायल जारी है। कुल मिलाकर 24 कोविड-19 वैक्सीन ऐसी है जिनका क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। एक बार यह ट्रायल पूरा हो जाए तो फिर कंपनियां रेगुलेटरी से अप्रूवल लेकर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकती है। अब वैक्सीन की कीमत की बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जो टॉप 3 वैक्सीन है इनकी कीमत की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी की एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे कोविशील्ड नाम दिया गया, इसकी वैक्सीन की कीमत की बात करें तो ये वैक्सीन 1,000 रुपए से कम की होने वाली है। वही मॉडर्ना इंक की वैक्सीन की बात करें तो इसकी कीमत 50 से 100 डॉलर यानी कि 3700 से 4500 रुपए के बीच हो सकती है। और चीनी साइनोफार्मा की वैक्सीन की कीमत के बारे में चीन की तरफ से अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि ये वैक्सीन हम तक कब पहुंचेगी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का नवंबर तक ट्रायल पूरा होने की उम्मीद है। नतीजे अगर अच्छे रहे तो रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद वैक्सीन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू होने में अगले साल की शुरुआत तक का वक्त लग सकता है। प्रोडक्शन के बाद आम इंसानों तक पहुंचने में इसे उसके बाद और भी कुछ दिनों का वक्त लगेगा। मॉडर्ना की वैक्सीन की बात करें तो ये भी सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के शुरुआत में आ सकती है। और चीन की साइनोफार्म की वैक्सीन, इसका तो प्रोडक्शन शुरू हो चुका है लेकिन इसका फाइनल ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। चीन को पूरा भरोसा है कि फाइनल ट्रायल में भी वैक्सीन सफल रहेगी। अब बात करते हैं कि वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले किन लोगों को दी जाएगी। जब इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा, उसके बाद जब वैक्सीन मार्केट में आएगी तो शुरुआत में इसके बहुत ही लिमिटेड डोज हमारे पास होंगे, जो सभी तक नहीं पहुंचाए जा सकते हैं। अब ये सवाल सामने आता है कि सबसे पहले वैक्सीन किन लोगों को मिलेगी या मिलनी चाहिए। देश के नीति निर्माता इसी सोच विचार में लगे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में जो OSD है, राजेश भूषण जी, उन्होंने बताया कि सरकार के अंदर बाहर यही बातचीत जारी है कि वैक्सीन के लिए किन्हें प्राथमिकता दी जाए। अभी कुछ भी फाइनल नहीं है।
मिस्टर भूषण के अनुसार कोरोना से लड़ रहे फ्रंट लाइन वर्कर जैसे डॉक्टर, नर्स आदि, इन लोगों को ही सबसे पहले वैक्सीन दी जानी चाहिए। जहां तक देखा जाए तो ये सही भी है, लेकिन सरकार इसे अभी तक तय नहीं कर पा रही है। इन फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद वैक्सीन किसे दिया जाए? क्या वो बूढ़े बुजुर्ग, बीमार होंगे या गरीब लोग होंगे? बुजुर्गों को वैसे भी पहले से ही कई बीमारियां होती है, कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन आने के बाद अमीरों को प्राथमिकता दी जाए और गरीब और जरूरतमंद तक पहुंच ही ना पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार भी इसी पर विचार विमर्श कर रही है। खैर, अब तो कोरोना की वैक्सीन आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि किसे पहले दिया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वैक्सीन सबसे पहले किन्हें दी जानी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।